अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोस 19 नवंबर जुम्मा, ट्रेडिंग का जो है वो लास्ट डे है। आज मॉनेटरी पॉलिसी शाम को अनाउंस होगी, इस वजह से जो है मार्केट थोड़ी बहुत अनसर्टन रहेगी। मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत हम देखेंगे कि मार्केट साइडवेज पे चलेगी। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद पिक्चर क्लियर होगी। बाज़ हलकों में जो है वो चीज़ें चल रही है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और चंद जगह जो है वो स्पेकुलेटिव भी चीज़ें चल रही है, मामला चल रहे हैं जिसके तहत जो है 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। यानी जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तब हमें चीज़ों की सही से मालूमात हासिल हो जाएगी। तब तक के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड प्ले करेगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को फिलहाल जो है वो सरप्राइज रखा हुआ है। मार्केट के वॉल्यूम भी श्रिंक है इस वजह से। जो सेकंड न्यूज़ आप लोग के साथ मैं शेयर करूं, वही वंस अगेन अवेयरनेस मैसेज आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी ऐसे मामला देखे जा रहे हैं जिसमें पम्प एंड डम एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। हम अगर देखें तो मंगल के दिन जो है वो एक कंपनी में न्यूज़ लगाई गई सोशल मीडिया पे, और जिस पे ये कहा गया कि कंपनी जो है वो बायबैक कर रही है अपने शेयर्स 180 रुपये के रेट पर। और इसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ, क्या एक्टिविटी हुई, और वो शेयर्स जो हैं वो यानी बिकने को नहीं आ रहे और इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और यानी आउट ऑफ द मार्केट सौदे हो रहे 90 रुपये में। तो यानी इस तरह की पम्प एंड डंप एक्टिविटी से थोड़ा मुताद रहें। जब तक आप स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं देखेंगे, आप तब तक जो है यानी मार्केट में मार खाते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, जिसमें बिलखसूस व्हाट्सएप जो है, वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई यानी ऑथेंटिक चीज़ें उसमें नहीं आती। उसमें जंक इन्फॉर्मेशन आता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, फेक न्यूज़ ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे, बिलखसूस व्हाट्सएप पे कोई बाइंग कॉल दे, तो आप जो है एक सिंपल प्रैक्टिस कर लें कि कंपनी का जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो देख लें। इजीली एक्सेसिबल है, आप dps.psx.com.pk की वेबसाइट पे जाएंगे, आप कंपनी का नाम सर्च करेंगे सिंबल से, तो आपको पता चल जाएगा इसकी पी रेशियो क्या है। सेकंड आप चीज़ ये देख लें एहतियातन, आप जो है उसका फ्री फ्लोट देख लें कि कंपनी का फ्री फ्लोट कितना है, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के पास खुद कितने शेयर्स पड़े हैं, और उन्होंने फ्री फ्लोट के लिए, मार्केट में फ्लोट के लिए कितने शेयर्स रखे हुए हैं। तो जितना कम रेशियो होगा, 50% से जितना कम रेशियो होगा मार्केट में फ्री फ्लोट हो रहा होगा, तो वो फंडामेंटली साउंड है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको खुद अपने शेयर्स पर, अपनी कंपनी पर भरोसा है, वो ट्रस्ट है उनको, और वो यानी अपनी कंपनी को ग्रो करना चाह रहे हैं जेनरली। ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। स्मार्टफोन, इंटरनेट, और अभी जिस हिसाब से हम जिद्दत पे जा रहे हैं तो हर चीज़ का एक्सेस है इन्वेस्टरों के पास, और लोग मोबाइल ऐप पे भी काम कर रहे होते हैं, तो ये छोटी चीज़ें देख लेंगे। सेकंडों का काम होता है जब आप व्हाट्सएप पे किसी की बाइंग कॉल ले रहे होते हैं, एक पेड गुरु को आप पेमेंट्स देके, जो कि अनएथिकल है, इलीगल है, आप उसको पेमेंट देके आप उससे बाइंग कॉल रिसीव कर रहे होते हैं, और वो जो है एक मुनज़म माफिया के तहत आपको पम्प एंड डम एक्टिविटी में मुलव्वज़ करा रहा होता है। तो आप सिंपल प्रैक्टिसेस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है, कितनी ऑथेंटिक नहीं है। इसके साथ मैं वंस अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप जो हमारा ग्रुप का मॉर्निंग ब्रीफिंग है उसमें जो डेटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो भी इजीली एक्सेसिबल है। हम ये डेटा कंपाइल करते हैं, इसको बनाते हैं, हर कोई बना सकता है। यानी इसमें मेहनत दरकार होती है, इसमें टाइम दरकार होता है, इसमें आर्ट्स दरकार होते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, आपके साथ जो डेटा शेयर किया जा रहा होता है आप भी ईजी है, dps.psx.com.pk नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट पर जाके आप ये सारा डेटा रिट्रीव करके, और आप इस डेटा को क्लोजली वॉच कर सकते हैं, और आप अपने पास भी एक रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। अगर आपको चीज़ बनी बनाई चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो इन चीज़ों के लिए हाजिर है। तो लिहाजा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसको शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें कि आपको यानी और मज़ीद क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे क्या मालूम चाहिए जिससे आप लोग का भला हो। ताबानी पंजवानी ग्रुप का वंस अगेन जो इन्वेस्टर है उनके लिए यानी हम यानी मोटिवेटेड है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे नज़रिए से बहुत अच्छी और सुथरी मार्केट है, और जहाँ पर बहुत अच्छा कैपिटल गेन और बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर सेंसिबल होके और तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग पे फोकस कम रखें, इन्वेस्टमेंट पे फोकस ज़्यादा रखेंगे,
तो आप जो है इस मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हैं। ये हमारा मैसेज है और हम इस मैसेज को आप तक बार बार पहुंचाएंगे, तब तक पहुंचाएंगे जब तक आप जो है हम ये नहीं देखें कि वाकई में कुछ चेंजेस आ रही है हमारी मार्केट में, इन्वेस्टरों के सेंटिमेंट्स में, उनके माइंडसेट में और उनकी अवेयरनेस में कुछ बदलाव आ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है, तब तक हम ये मैसेज देते रहेंगे। और हमारा ये काम है कि यानी हमें अपनी मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, दुनिया की लीडिंग मार्केट्स में शुमार करना है, जिसमें इन्वेस्टरों की भी तादाद ज़्यादा हो, जहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़े हों, और जो मार्केट जो है यानी जो उसकी पोटेंशियल है वो अपने फुल पोटेंशियल, फुल कैपेसिटी पे काम करे। आईटी सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, आईटी एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो अर्निंग आई है वो $491 मिलियन की आई है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 41% ज़्यादा बनता है। यहाँ फिर अगर हम उसको पैसों में काउंट करें तो $142 मिलियन ज़्यादा की सेलिंग हुई है, ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। अब आईटी के नंबर्स अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है वो बगैर देखे, फंडामेंटल्स देखे, मामला देखे, हम इस पर यानी ट्रेडिंग करना शुरू कर दें कि भाई आईटी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ थी तो हमें इस पर ट्रेड करना है। आप इसमें भी आईटी सेक्टर में भी अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक लें, जिसमें आप जो है एक अच्छा हेल्दी गेन रिटर्न ले जाएं और आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो कि आपका पैसा ना डूबे। जो आपके साथ डेटा शेयर किया जा रहा होता है, CFS, कैसल फ्यूचर, MFS का डेटा शेयर किया जा रहा होता है, MTS का डेटा शेयर किया जा रहा होता है, लो सेल स्क्रिप्ट का डेटा शेयर किया जा रहा होता है, उसमें काफ़ी ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो हम हाईलाइट करके दे रहे होते हैं कि ये ना ये इनके मामला अच्छे नहीं हैं, लॉन्गर रन के इनके मामला अच्छे नहीं हैं, और वही स्क्रिप्ट जो हैं वो आपको ज़्यादातर जो ये पम्प एंड डंप माफिया है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन चीज़ों पे सर्कुलेट कर रही होती है, उसमें आपको ट्रेडिंग करा रही होती है, आपको सट्टा करा रही होती है। आप पहले माइंडसेट बना के आप इस मार्केट में सट्टा करने आए हैं कि यहाँ आप एक इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, अपनी हार्ड एंड मनी से कुछ रिटर्न लेके आए हैं, तो जब तक आप इन चीज़ों का तयन नहीं करेंगे तब तक आप इस मार्केट में घाटा करते रहेंगे। टेक्निकल के हवाले से बात करते हैं, टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है, डे चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट नीचे की चाल है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, मार्केट का जो सपोर्ट है वो 45,213 पर है। आर्ली चार्ट अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट रिकवरी पर है और मार्केट ऊपर जाने के लिए आर्ली चार्ट पे तैयार है। मार्केट का जो रेजिस्टेंस है आर्ली चार्ट पे वो 46,307 का है। फीपीलीपी डेटा इस मुताबिक है, टोटल 5 बायर है जिनमें कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC, ओवरसीज पाकिस्तानी, अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेलर में 6 सेलर है जिनमें बैंक्स, ब्रोकर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स वैल्यूशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 46,110 पर है, मार्केट ने 83 पॉइंट लूज किए हैं, मार्केट की पिछली क्लोजिंग 46,194 पर थी, टोटल 29 करोड़ शेयर का काम हुआ है जिसमें से 17 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 58.31% है। KSE 100 का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.42 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.87 खरब रुपए की है, इजाफा 150 कंपनी में हुआ है, गिरावट का शिकार 166 कंपनी है जबकि बरकरार 24 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 13.43 का है, अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 5.38 का है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 45,728 का लो बनाया जबकि ऊपर 46,292 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 39,314 का लो बनाया जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 45,245 पर है जबकि दूसरा सपोर्ट 45,936 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 46,363 पर है जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 47,162 पर है। CSF कैश सेटल फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज़्यादा काम हुआ है, 15 कंपनियां ऐसी हैं इसमें से 6 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में, 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदला खड़ा है इसमें से 2 हाई 3 मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल क्लियरिंग का बदला, 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदला खड़ा है इसमें से 1 एक्सट्रीम और 1 हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 18 कंपनियां ऐसी हैं इसमें से 2 हाई 5 मॉडरेट। टेक्निकल ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू के स्टॉक इस मुताबिक हैं, 1 कंपनी है जो काफी ज्यादा टेक्निकली ओवर वैल्यू है, 2 कंपनी जो है वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है।
इस वीडियो में हम जो है वो कंपनियों के नाम नहीं लेते, हम जो है डेटा आप लोग के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जब ये डेटा रीड किया जा रहा होता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेटा के साथ जो है यानी मेरी बातों के साथ आप इस डेटा को भी क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको मामला समझ में आ जाएंगे। वंस अगेन, इस डेटा को शेयर करने का मकसद आप लोग के साथ आप लोग को अवेयरनेस देना है उन स्क्रिप्ट में जो यानी मार्केट में यानी थोड़े ओवर वैल्यूड हैं या उनके मामला थोड़े अच्छे नहीं हैं, जो आपको लॉन्गर रन पे थोड़ा बहुत यानी फंसा सकते हैं, आप उसमें स्टक हो सकते हैं, उसके ब्राइट चांसेस हैं। तो लिहाजा आप ये चीज़ें देखेंगे, इन डेटा को देखेंगे तो आप जो है खुद ही उसमें प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और वंस अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, ये डेटा इजीली एक्सेसिबल होता है, इसको कंपाइल करना होता है, कंपाइल करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, वक्त दरकार होता है। अगर आप भी जो है ये डेटा डाउनलोड करके और इस डेटा को आप यानी स्टडी करना शुरू कर देंगे तो यानी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे सुथरे इन्वेस्टर बनेंगे। ताबानी पंजवानी ग्रुप का वंस अगेन फोकस मिशन ये है कि इन्वेस्टर जो है वो अवेयरनेस हो, अवेयरनेस के साथ साथ वो लर्न करना शुरू कर दे। जब वो लर्न करना शुरू कर देगा तो यानी वो कभी भी हारेगा नहीं और यानी लर्निंग के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे वो इस मार्केट से अच्छा हेल्दी रिटर्न लेके जा सकता है। शुक्रिया। मोहम्मद अली पंजवानी।